अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम फ्रीक्वेंसी पैरागॉन के बारे में पढ़े और यही हमारा लर्निंग आउटकम होगा कि हम किस तरह से एक फ्रीक्वेंसी पैरागॉन बना सकते हैं, जैसा कि आपकी शक्ल में देख। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी पैरागॉन होता क्या है। फ्रीक्वेंसी पैरागॉन एक तरह का ग्राफ होता है जिसके अंदर मिड पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मिड पॉइंट के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। जिस तरह से आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि ये एक क्लास इंटरवल है और इसकी जो दरमियानी यानी मिड वैल्यू के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्लॉट की गई हैं। आइए हम एक एग्जांपल की मदद से जो है समझते हैं कि किस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी पैरागॉन को जो है हम एक ग्राफिक के सूरत में दाखिल कर सकते हैं। इस डेटा के अंदर जो है कुछ खिलाड़ियों के वेट दिए हुए हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उससे रिलेट करती हुई। तो आइए हम इसको ग्राफ की सूरत में यानी फ्रीक्वेंसी पैरागॉन की सूरत में शो करते हैं। तो आइए इसके लिए हमने एज यूजुअल एक ग्राफ पेपर लिया और एक साइड पे हमने एक्स एक्सिस पे वेट लिया और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ प्लेयर्स लिए और हमने जो इसके यूज़ किया एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 1 किलोग्राम के बराबर है, इसलिए हमने 50, 60, 70, 80, 90, 100 दिया इसी तरह से, यानी 10-10 पॉइंट्स हैं और इसका मिड पॉइंट जो है वो ये आसानी से हमें ये मिल जाएंगे, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं तो ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं। इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पे जो है वो हमने लेना शुरू किया फ्रीक्वेंसीज को, तो हमने ये 10-10 के हिसाब से आगे बढ़ते गए और इस तरह से ये हमने 70s तक हमने ले लिया क्योंकि आखिरी वैल्यू हमारे पास जो है वो 64 है। अब हमने फ्रीक्वेंसीज जो क्या 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 50 से 60 की जो दरमियानी वैल्यू है वो है 14, तो ये देखिए 10 और 10 के बाद ये हमने 14 के ऊपर एक डॉट लगाया। इसी तरह से जो 60 से 70 है वो हमारे पास 22 है, तो ये 20 और फिर उसके बाद 2 ऊपर जाकर हमने एक डॉट लगाया। इसी तरह से 70 से 80 के दरमियान जो हमारे पास वैल्यू है वो है 50, तो इसलिए 50 पे पॉइंट एक हमने लगाया, ये हमने एक नुकात हासिल हुआ। इसी तरह से हमने प्लॉट किया 80 से 90 में जो है 64 प्लॉट किया और इसी तरह से 100 जो है वो हमने 90 से 100 के 20 पे हमने प्लॉट किया। हम क्या करेंगे, इनको एक हर डॉट को एक लाइन की मदद से सीधी लाइन की मदद से मिला देंगे। तो आइए फिर इस लाइन को इससे मिलाते हैं, यानी 50 से 60 और 60 से 70 वाली लाइन को देखेंगे हमने मिलाया। इसी तरह से फिर अगले डॉट को उससे मिलाया हमने खत से, फिर उसके बाद उसके अगले डॉट को मिलाया और फिर अगले डॉट को मिलाया। इस तरह से हमें एक फ्रीक्वेंसी पैरागॉन। आइए मजीद क्लियर करते हैं एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इसके अंदर फिर हमें जो है दिया गया है टीचर्स का जो फासला है, जो अपने घर से वो स्कूल तक सफ़र करते हैं, उसका एक ग्राफ हमारे पास टेबल दिया हुआ है और ये देखें ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास दिया हुआ है और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो आइए हम इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमने ग्राफ पेपर लिया, इसी तरह से हमने टाइम्स जो है जो ट्रेवलिंग टाइम्स जो हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टीचर्स लिए और ये हमने लेजेंड्स लिए, यानी एक स्मॉल बॉक्स 1 मिनट के बराबर है। तो हमने ये 0 से शुरू किया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए। इसी तरह से वाई एक्सिस पे जो है हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 और सो ऑन हमने इसको प्लॉट कर लिया। आइए अब इनके मिड पॉइंट्स पे जो है हम फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं। तो 0 से 10 का जो मिड पॉइंट है वो ये 5 पॉइंट आ गया और इस पर जो हमारा डॉट आएगा वो 10 के ऊपर आएगा, तो ये देखें 10 पे हमने एक डॉट लगाया। इसी तरह से 10 से 28 पे हमने एक डॉट लगाया, ये देखें ये 25, 6, 7, 8 और इसी तरह से 20 से 30 के दरमियान जो हमें 46 पे हमने एक डॉट लगाया। इसी तरह से 30 से 40 में 23, तो ये 20 यहाँ आ गया और ये 3 पे हमने एक डॉट लगाया। इसी तरह से हमने 40 से 50 में जो है 12 पे डॉट लगाया और अब हम इन निकात को जो है आपस में मिला देंगे। आइए इनको मिलाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने मिलाना शुरू किया और ये एक के बाद एक डॉट मिलाया और इस तरह से हमें ये पॉलीगॉन जो है वो हासिल हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हासिल हो गया। तो क्या आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।